Oh wow, another one snake. Being fun sir. जब तक इंसान को सबक नहीं मिलता है वैसे ही रहता है ना. मुझे सबक मिल गया. हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग. स्वागत है मेरे चैनल पे. तो भाई आज जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए. ये देखो भाई मौसम कितना मस्त किया हुआ है. जा रहे हैं पल्सर से. पहले एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं. ये किक में स्टार्ट होता है कि नहीं. वाओ, वाह हो गया स्टार्ट. चलो चला जाए. यहाँ का हालत बहुत खराब है यार. फिसल के गिर जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा. तो गाइस मैं अभी निकल चुका हूँ रोड की तरफ. पहले तो मुझे जाना पड़ेगा भाई पेट्रोल पंप. मेरा POC एक्सपायर हो चुका है, उसको बनवाना पड़ेगा. 22 तारीख को ही एक्सपायर हुआ था, लेकिन उसके बाद निकले ही नहीं घर से. इसलिए आज निकले हैं तो आज बनवा ही लेते हैं, वरना पकड़ा गया तो भारी चालान भरना पड़ जाएगा. बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का. पहले जाते हैं पेट्रोल पंप यहीं बिरसा चौक में. भाई मौसम तो बहुत अच्छा किया हुआ है. उम्मीद करते हैं बारिश नहीं आए, मेरे लिए अच्छा रहेगा. स्कूटी चलाना सिखा रहा है भाई. गाड़ी को एक्चुअली बहुत दिन बाद ही निकाले हैं. यहीं से भाई बनवा लेते हैं ताकि भारी चालान से बचा जाए. बिना स्टार्ट किए ही हो जाता है. ये बन गया भाई. थैंक यू. तो गाइस POC तो मैंने बनवा लिया, अब चलाने वाले का टेंशन नहीं. आई डोंट नो क्यों भीड़ जमा हुई थी यहाँ पे, पर मेरे को जानना भी नहीं है. I'm not interested, यार. आज तो वैसे टीचर्स डे है, 5 सितंबर है, तो बस उसका तो झंझट नहीं होगा. नहीं तो इस टाइम स्कूल का छुट्टी रहता है तो पूरा बस से भरा हुआ रहता है, अब पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है उसकी वजह से. आज स्कूल का पहले ही छुट्टी हो गया होगा इसलिए बस बस भी नज़र नहीं आ रहा है रास्ता में. जगह जगह गड्ढा खोद देता है. यहीं साइड में एक वेट करते हैं, जब ग्रीन हो जाएगा तब यहाँ से जाएंगे. यहीं रुक जाते हैं साइड लगा के. मस्त प्लान है. One eternity later. चलो सिग्नल तो ग्रीन हो गया, लेकिन यहाँ से निकलना पड़ेगा जगह देख के. शिट, मैं ही गलत जगह जा रहा हूँ. सॉरी सॉरी सॉरी.
भैया मेरा भी रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा क्या? नहीं। यहीं से चलते हैं मेन रोड से, मार्केट जाने का मूड नहीं कर रहा है। जैसा सोचा था ऑब्वियसली वैसा हुआ, जाम यहीं से लगना चालू हो गया है और ये जाम लगा रहेगा का किशोरगंज चौक तक। यहाँ से कछुआ के चाल में जाना पड़ेगा। वैसे जाम उतना खास तो नज़र नहीं आ रहा है, चलो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। स्कूल बस यहाँ नज़र आ रहा है भाई। ये देखो जाम शुरू। अभी हम जिंदा हैं। ये मैडम हेलमेट हाथ में ली हुई है, बहुत अच्छा, हाथ को सुरक्षा देगी, सर को नहीं। सर को सुरक्षा की जरूरत किसे है? समझ गया। जब तक चौक नहीं पहुंचते हैं इसी तरह ही जाना पड़ेगा। बिना हेलमेट वालों को कोई टेंशन ही नहीं रहता है। ओह वाओ, व्हाट अ मॉडिफिकेशन, कॉन्टिनेंटल जीटी। यहाँ साइड से निकलने कोशिश करते हैं। चलो सिग्नल ग्रीन हो गया, निकल जाते हैं। आंटी थोड़ा साइड होके चलिए। 7 5 4 3 2 1 4 3 2 1 चलो। एकदम एंड मोमेंट में पार हुए भाई। ओह वाओ, अनदर वन स्नेक, शेकी शेकी बाइक लाइक दिस, यो मैन। ओह वाओ, विन फैन सर, ऑन यू कैन डू इट, या बॉय, या। मेरे को भी फ्यूचर में इसी तरह का बनने का था भाई। इसके पीछे पीछे तो मैं नहीं जा सकता, साइड से चला जाए। ओह वाओ, ट्रिपल सीट, हेलमेट हाथ में लिए हुए, क्या कहें इनको। जब तक इंसान को सबक नहीं मिलता है वैसे ही रहता है ना, मुझे सबक मिल गया। ऑटो वाले हो या डाला टेम्पू हो, इन लोगों से भाई बच के ही चलना पड़ता है। कब किस जगह कहाँ मोड़ देंगे कोई गारंटी नहीं रहता है भाई, कहना मुश्किल है कहाँ से प्रकट हो जाते हैं ये लोग। इसलिए जब भी सामने आए ये लोग के सामने कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। पैदल भी चले तो कदम फूक फूक के, गाड़ी में तो हालांकि बहुत फूक फूक के रखना पड़ता है। फाइनली यहाँ से अब पूरा रास्ता खाली मिलेगा। यहाँ पे 100 की स्पीड भी चला सकते हैं, लेकिन आजकल 100 की स्पीड चलाने का मन ही नहीं करता है। कहीं जल्दी जाना हो तो मैक्सिमम 60, मेरा स्पीड हमेशा 60 ही रहता है। क्या बात कर रहे हैं, यहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है,
फ़ोटो वोटो भी अच्छा ले सकते हैं यहाँ पे। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम लॉन्ग राइड फील टायर्ड देन रिलैक्स हियर। साइकिल बड़ी मस्त है भाई।